जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जियोलॉजी एमसीक्यू 2017। पिछले वीडियो में कई एक वीडियो में मैंने चर्चा किया था 2010 से लेकर 16 तक एमसीक्यू के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2017 के जियोलॉजी के एमसीक्यू के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चैनल है जिनमें आपको गलत उत्तर बहुत ही ज़्यादा बताता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सटीक उत्तर आपको प्रोवाइड करूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जियोलॉजी एमसीक्यू 2017, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 का कि जीवाश्म जो है, यानी जीवाश्म का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र की किस शाखा में करते हैं। यानी आपको ये बताना है, जैसे कि मैंने बताया हूँ आपको कि जियोलॉजी 12th में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है, पेट्रोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, स्टैटिग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बात हो रहा है ये आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। तो यह कह रहा है कि जीवाश्मों का अध्ययन यानी फॉसिल्स का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा। तो शैल विज्ञान या अस्तरित विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान या भू आकृति विज्ञान। तो मैंने अभी बताया आपको कि जीवाश्म का अध्ययन जो है आपका शैल विज्ञान, सॉरी, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत। तो आपका प्रश्न संख्या 1 का जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मार्बल, आपको ये बताना है कि मार्बल जो है यानी संगमरमर, ये आपका किस प्रकार शैल है। यानी आपको बताना है कि संगमरमर जो है वो किस प्रकार का शैल है। तो आपके सामने ऑप्शन है अवसादी शैल, बी नंबर में है आग्नेय शैल, सी नंबर में कायंत्रित शैल, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूं प्रश्न संख्या 2 के, तो संगमरमर जो हो जाएगा, आप याद रखिए कि संगमरमर को अंग्रेजी में आपका मार्बल कहा जाता है। तो अगर टिक के रूप में याद रखना है तो एम फॉर मार्बल और एम फॉर मेटामॉर्फिक रॉक। यानी आपका प्रश्न संख्या 2 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कायंत्रित शैल। संगमरमर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मार्बल, एम फॉर मार्बल, एम फॉर मेटामॉर्फिक रॉक। तो प्रश्न संख्या 2 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कायंत्रित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि एल्यूमिनियम के अयस्क खनिज को क्या कहते हैं। एल्यूमिनियम के जो अयस्क खनिज होंगे दोस्तों वो निम्न में से क्या कहलाएगा? पायरोलुसाइट कहलाएगा, या बॉक्साइट कहलाएगा, या आपका हेमाटाइट कहलाएगा, या डी नंबर में से पायराइट, या क्या कहलाएगा? तो दोस्तों, अगर प्रश्न संख्या 3 के सटीक उत्तर की बात करूँ तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है आपका बॉक्साइट जो है इनका सटीक उत्तर हो जाएगा। यानी आपका, जैसे कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क खनिज होगा वो बॉक्साइट कहलाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सटीक उत्तर हो जाएगा, बॉक्साइट। तो आपको अगर इनका ट्रिक में याद रखना है दोस्तों, तो ट्रिक के रूप में आप ऐसे याद रखिए, ए फोर आपका एल्यूमिनियम और ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो बी फोर बॉक्साइट, बी फोर क्या? बॉक्साइट। तो प्रश्न संख्या 3 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो बी फोर बॉक्साइट, ए फोर एल्यूमिनियम एंड बी फोर बॉक्साइट, ए के बाद बी आता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि झारखंड के नुआमुंडी, नुआमुंडी एक जगह का नाम है आपका, और आपको ये बताना है कि नुआमुंडी किस चीज़ के लिए फेमस है। तो झारखंड के नुआमुंडी किस प्रकार के निक्षेप के लिए फेमस है। तो जैसे कि प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन में देख सकते हैं, ए नंबर में लोहा है, बी नंबर में तांबा है, सी नंबर में मॉस्कोवाइट है, और डी नंबर में सोना है। तो दोस्तों, इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूँ तो झारखंड की जो नुआमुंडी है वो आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आयरन डिपोजिट के लिए जो है नुआमुंडी फेमस है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है तो एन फोर नुआ और एल फोर लोहा, है ना? तो आप ऐसे याद रखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 के जो नुआमुंडी कह रहा है आपको इसको जो है ऐसे याद रखिए, नुआमुंडी के जगह आप लोहामुंडी याद रखिए। लोहामुंडी से आपको नाम भी याद रहेगा और उनके जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध निक्षेप है, वो भी याद रहेगा। यानी लोहामुंडी में आपका क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। यानी लोहामुंडी फेमस है लोहा के लिए। तो नुआ से आपको याद रखना है दोस्तों, नुआ से याद रखना है लोहा। तो प्रश्न संख्या 4 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, लोहा। चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न संख्या 5 के बारे में चर्चा करूँ तो कह रहा है कि मैग्नेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होना चाहिए। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो है आपके सामने ऑप्शन है Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, डी नंबर में ऑप्शन है 2Fe2O3, 3H2O। तो दोस्तों, इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूँ प्रश्न संख्या 5 के, तो इनका जो सटीक उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के वो आपका ऑप्शन नंबर ए, Fe3O4। Fe3O4 आपका प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर होगा, यानी मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe3O4। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि पृथ्वी जो है आपका, आपको प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई। यानी चंद्रमा जो है आपको ये बताना है कि इनकी उत्पत्ति किस काल में हुई। लेकिन आपके ऑप्शन में कह रहा है कि कार्बोनिफेरस, मायोसिन, सी नंबर में क्रिटेशियस, डी नंबर में प्लियोसिन। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई यानी कितने वर्ष पहले हुई, इस प्रकार से क्वेश्चन देना चाहिए, या अगर किस काल में हुई ये दिया है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चारों ऑप्शन जो है आपका गलत है। मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया हूँ जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ।
तो जो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं मून के बारे में कह रहा है, तो मैं आपके सामने देखिए, मैं आपका ये जियोलॉजिकल टाइम का हूँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके ऑप्शन में है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, पहले कार्बोनिफेरस कह रहा है, पहला ए नंबर में कह रहा है कार्बोनिफेरस, तो आपका कार्बोनिफेरस देख पा रहे हैं यहाँ आप माउस के कर्सर में देख सकते हैं आप कि आपका जो कार्बोनिफेरस है वो 60 मिलियन ईयर्स पहले इनकी उत्पत्ति बता रहा है। वहीं चलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है मायोसिन के बारे में। तो दोस्तों मायोसिन के बारे में अगर बात करूँ तो इस काल में जो है ममल्स की उत्पत्ति हुआ था, आपका जो है ममल्स की उत्पत्ति हुआ था। तो देखिए यहाँ मायोसिन ये 13 मिलियन ईयर्स पहले जो है इनकी उत्पत्ति हुआ था, और इसमें जो विस्तार हुआ था वो ममल्स की हुआ था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में चांद के बारे में पूछ रहा है यानी मून के बारे में। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्रिटेशियस, और यहाँ आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्रिटेशियस आपका 40 मिलियन ईयर्स पहले का जो है पीरियड को दर्शा रहा है, लेकिन मैंने अभी मून के बारे में बताया कि पृथ्वी की आयु जितनी होगी उतनी चांद का भी होगा एज, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ चांद का भी ऑरिजिनेट हुआ था। तो क्रिटेशियस का देख सकते हैं कि आप यहाँ 40 मिलियन ईयर्स दिखा रहा है। वहीं चलिए ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ दोस्तों, तो प्लियोसिन के बारे में कह रहा है, और वहीं प्लियोसिन के बारे में अगर देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो प्लियोसिन के बारे में आप देख सकते हैं प्लियोसिन हाँ थोड़ा सा ऊपर में है प्लियोसिन, तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप 11 प्लियोसिन की जो ये है टाइम पीरियड है वो 11 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ आपको ना इनमें से कोई नहीं ऐसा भी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है आपका। आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पहले जो है बढ़िया से पढ़ लीजिए, कह रहा है कि पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई, यानी आपको ये बताना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो जैसे कि आपको अभी मैंने चारों ऑप्शन को मैंने गलत साबित किया, तो चलिए इनके बारे में दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ कंप्लीटली लिखा हुआ है कि द प्री नेक्ट्रियन पीरियड ऑफ द लूनर जियोलॉजिक टाइम स्केल फ्रॉम रन्स फ्रॉम 4.5 ट्रिलियन ईयर्स एगो, द टाइम ऑफ द इनिशियल फॉर्मेशन यानी मून के उत्पत्ति की शुरुआत जो हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। यहाँ आपका डिटेल्स में लिखा हुआ है जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं माउस के कर्सर पर, यहाँ कम्प्लीटली मून लिखा हुआ है यानी मून का जो फॉर्मेशन हुआ था वो प्री नेक्ट्रियन पीरियड में हुआ था लूनर जियोलॉजिक टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। तो आपके यहाँ एक तो पूछना चाहिए कि कितने वर्ष पहले हुआ था, या फिर आपका नेक्ट्रियन पीरियड भी देना चाहिए था यहाँ, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि आर्थिक भूविज्ञान की शाखा से किसका अध्ययन किया जाता है, यानी आर्थिक भूविज्ञान में आपको यह बताना है कि इकोनॉमिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में निम्न में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सटीक उत्तर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर में एक ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अयस्क खनिज, बी नंबर में कह रहा है चट्टानी खनिज, सी नंबर में कह रहा है पर्वत, और डी नंबर में कह रहा है ग्लेशियर। तो दोस्तों इनके अगर सटीक उत्तर की बात करूँ प्रश्न संख्या 7 के, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले भी मैं चर्चा किया था कि जियोलॉजिकल 12th के जियोलॉजी में चार ब्रांच पढ़ना पड़ता है, पेट्रोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी, और इकोनॉमिक जियोलॉजी में मुख्य रूप से आपका खनिजों के बारे में चर्चा की जाती है यानी रॉक मिनरल्स के बारे में। तो प्रश्न संख्या 7 की बात करूँ दोस्तों, तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चट्टानी खनिज। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एंथ्रासाइट बिटुमिनस किसके प्रकार है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि ए नंबर में कोयला, बी नंबर में लोहा, सी नंबर में तांबा, और डी नंबर में दोस्तों कह रहा है अभ्रक। तो दोस्तों अगर प्रश्न संख्या 8 के सटीक उत्तर की बात करूं तो एंथ्रासाइट बिटुमिनस जो होता है ये आपका कोयले का प्रकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर 8 की जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला। तो आपको चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि झारखंड के जो जादूगोड़ा है किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। यार ये क्वेश्चन जो है आपका झारखंड के स्टेट लेवल में अदर जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं झारखंड के जादूगोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन में आपका है ए नंबर में लोहा, बी नंबर में है तांबा, सी नंबर में है रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप, और डी नंबर में मैग्नीज निक्षेप। तो दोस्तों आपका जो जादूगोड़ा जो है आपका ये आपका सिंहभूम के अंतर्गत आता है, और अगर जादूगोड़ा की बात करूँ तो ये यूरेनियम निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में यूरेनियम निक्षेप नहीं है, यानी आपका यूरेनियम नहीं है ऑप्शन में प्रश्न संख्या 9 का। जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सटीक उत्तर देना है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप, क्योंकि यूरेनियम जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव मिनरल्स के अंतर्गत आता है, रेडियो एक्टिव मिनरल डिपोजिट्स का जो है एग्जाम्पल्स है यूरेनियम। तो उनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 के जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका 2017 के प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करूँ दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 में
प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण पौधा जीवाश्म है, आपको बताना है प्लांट फॉसिल्स के बारे में, प्लांट फॉसिल्स का एग्जांपल्स देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है केलोमिलिन, बी में कह रहा है आर्का, सी नंबर में गैंगामॉप्टेरिस और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको आंसर इनका पता होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 के अगर सटीक उत्तर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी गैंगामॉप्टेरिस हो जाएगा। आपको इसे जो है ट्रिक के रूप में याद रखना है कि हाँ पूछ रहा है पौधा जीवाश्म के बारे में, यानी प्लांट, वही प्लांट जब बड़ा होता है तो उसे ट्री कहलाता है, तो टी फॉर ट्री, और यहाँ गैंगामॉप्टेरिस कह रहा है ट्रीज, तो गैंगामॉप्टेरिस का ट्रीज याद रखना है ना। तो टेरिज, तो टी फॉर जो है ट्री यानी पौधा, और टी फॉर ट्रीज, तो पौधा जीवाश्म का जो एकदम सटीक एग्जाम्पल्स होना चाहिए दोस्तों वो गैंगामॉप्टेरिस है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या जो 10 का जो सटीक उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी गैंगामॉप्टेरिस। तो आई होप आप लोग 10 क्वेश्चन के उत्तर जो है आसानी से समझ गए होंगे। इनमें किसी भी तरह की कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। बने रहिए, मैं जो है 2020 तक जो है MCQ हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम में सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद।